अस्सलाम वालेकुम एंड टू फैमिली परिशों में ब्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ जी आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जनाब अभी मैं हो गई थी फ्री, आज मैंने अपनी पूरी कबर साफ की है कपड़ों वाली, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे फॉर्चुनेटली ना मेरे जो लास्ट ईयर के लॉन के ड्रेसेस थे ना वो मुझे पड़े हुए अनस्टिच मिल गए। तो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही थी बाज़ार उनके साथ मैचिंग लेने के लिए, क्योंकि मुझे वो स्टिच करवाने हैं। तो यहाँ पे वैसे मैंने तो अपने ये लॉन के ड्रेसेस आपको पहले भी शेयर किए हुए आपके साथ दिखाए हैं आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ पे जाके लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जाने से पहले एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये वाला ड्रेस था, ठीक है, ये शर्ट और दुपट्टा ही है, इसके साथ वाइट ट्राउजर मेरे पास है वो चल जाएगा। और सेकंड मेरा ये वाला ड्रेस है, इसको भी इसका मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इसका ना फ्रॉक बनवा लूँ। तो देखिए आप क्या होता है, वैसे तो इन्होंने डिज़ाइनिंग के तौर पे ये बताया हुआ है कि आप इसकी शर्ट भी बनवा सकते हैं, इस तरह प्लेयर स्टाइल की भी बनवा सकते हैं, फ्रॉक भी बनवा सकते हैं। तो मेरा दिल है कि मैं इसका फ्रॉक बनवाऊँ, तो आप देखें बाज़ार जाती हूँ क्या पसंद आता है इस लिहाज से, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पर माशाल्लाह परीशे को देखिए क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह प्रीशे ने क्रॉलिंग स्टार्ट की है, और दो दिन ही हुए हैं प्रीशे को क्रॉलिंग स्टार्ट किए हुए, लेकिन करती अपने मूड से ही है। जितना मर्जी आप जो है ना जोर लगा लें कि प्रीशे के साथ प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब प्रीशे का मूड होता है ना प्रीशे क्रॉलिंग तभी करती है। खैर मुझे बड़ी टेंशन थी इस बात की भी कि प्रीशे ने अभी तक क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं की, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन अल्लाह का बेहद शुक्र है कि प्रीशे ने दो दिन हो गया क्रॉलिंग हल्की हल्की से भी स्टार्ट कर दी है। तो बस अभी मैं जाती हूँ बाज़ार, इसके साथ लेके आती हूँ और आंटी को दे के आती हूँ, फिर जब सिल के आएगा फिर आपको इसके बारे में दिखाऊंगी, ठीक है। और एक और बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, वो बात बेसिकली ये थी यार कि बिजली के जो बिल आ रहे हैं ना वो इंतहा की हद तो है। मतलब एक तो महंगाई इतनी हो गई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी बाज़ार गई थी ग्रोसरी के लिए, तो मैंने देखा कि 450 रुपये किलो शिमला मिर्च हो चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, आप बताएं 450 रुपये किलो शिमला मिर्च हो गई, तो बीच में जो मसाले वगैरह डलने हैं, मैं कहती हूँ कि इन महंगाई की इतनी अंत हो चुकी है ना कि बस हद ही हो चुकी है। जहाँ बंदा एक घर का कमाने वाला हो वहाँ कैसे इतने ज़्यादा अखराजात पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी जो हुकूमत है ना पता नहीं क्या करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है और बिजली के बिलों में इतना इजाफा हुआ है कि आप यकीन करें इतने अमाउंट में बिल आ रहे हैं ना कि लोग रो रहे हैं कि यार इतने बिल कैसे आ सकते हैं। तो मतलब पता नहीं क्या चल रहा है मुल्क में, किस तरह के हालात हो रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अल्लाह पाक बस हमारे हालत पे रहम फरमाए, हमारे जो हुक्मरान अल्लाह उनको हिदायत दे। तो बस क्या किया जा सकता है, बस दुआ की जा सकती है, सब्र किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब तो ऐसा हो गया कि अनबियरेबल हो गया ये सब कुछ। बायो 21 यानी तीज का ना इसकी कैंडीज का टाइम हो गया, मैं तो उसको कैंडी खाती कहती हूँ, और ये वो भी नहीं खाती है, ये कुछ भी नहीं खाती है, इसने मुझे इतना तंग किया हुआ ना कि कुछ भी नहीं खाती है, इतनी मुश्किल से इसको ये ना बायो 21 भी खिलानी पड़ती है। जल्दी से फिनिश कर लो इसको, जल्दी से कर लो, बस अब मैं दो इसको ये दूंगी, दूध इसने पी लिया है और होपफुली कि थोड़ा सा प्ले करके ना ये सो जाएगी। नो डोंट टच, डोंट टच, वो देखो वो कौन आया, अस्सलाम वालेकुम कर दो, अस्सलाम वालेकुम। नो ये देखा इसकी हरकतें देखी हैं, इसको मैं मना करूंगी ना ये बार बार ये देखें, ये इससे कैंडी भी नहीं खाई जाती कि इतना तंग करती है ना, कैंडी खाते हुए कि बाहर ही निकाल देती है मुँह से, जैसे पता नहीं इसको कितनी दिक्कत होती है खाते हुए। कौन खाती हो आप, इधर आ मेरी बात सुनो, वन मोर कैंडी भी खानी है, वन मोर कैंडी भी खानी है प्रीशे ने, वन मोर कैंडी भी आ गई है प्रीशे की, ये इसको इतना शौक है ना मेरे वॉच के साथ खेलने का, ये मेरे चार्जर की वायर पकड़ लेती है, पूरे गले में लपेटियाँ लपेट लेती है और उसी को मुंह में ले लेके ना खेलती रहती है। मुझे तो पीछे से स्विच तो बंद होता है लेकिन फिर भी डर लगता है ना, ये पागल, इसको वायर्स में खेलने का ही शौक है, लगता है इसने बड़े होकर मैकेनिक बनना है। चिच्चू शिजादो मामा की छोटी सी, नो नो डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, वो देखो कौन आया, वो कौन आया है, वो देखो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कर दो। अल्लाह कैंडी फिर निकाल दी है, उफ अल्लाह प्रीशे कैंडी नहीं तुमसे खाई जाती, आप यकीन करिए कैंडी खिलाना इतना मुश्किल होता है, उसको कुछ खिलाना वो तो तौबा तौबा, वो तो खाती नहीं है, ये तो मुँह ही नहीं खोलते, अगर मुँह खोले तो अंदर लेके ही नहीं जाती भाई, गले के अंदर लेके ही नहीं जाती, और इतनी वीक हो रही है दांतों की वजह से।
तो बस ये खाना आ गया, मैं इसको खाती हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।